नमस्कार, आप देख रहे हैं TB24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बात पर पूरा भरोसा था उसको कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार कर जाएगी। इंडिया गठबंधन की अगर बात कही जाए तो उसे वो करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी। एनडीए गठबंधन पूरी तैयारियों के साथ जोरों शोरों से कड़ी मेहनत कर रहा था और यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर 400 सीट पर अपना कब्जा करने के लिए तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन आपको बताएं कि एनडीए गठबंधन 292 सीट पर ही सिमट कर रह गया। वहीं बीजेपी अकेले के खुद के दम पर 240 सीट लाई है। लेकिन आपको बताते चले कि इन सभी मामलों के बीच एक जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है यूपी की फैजाबाद लोकसभा सीट। यानी कि अयोध्या से बीजेपी को जिस तरीके से हार मिला है वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा उससे जोर का झटका लगा है। जिस अयोध्या में बीजेपी ने अपना पूरा मेहनत किया था उस जिले में बीजेपी को करारा हार का सामना करना पड़ा। वहीं अयोध्या को लेकर एक और खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्यों दी गई है और क्या बीजेपी की वहां से हार हो गई है इसलिए धमकी मिली है या फिर कोई और मामला है, पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही कट्टरपंथियों की नज़र इस पर है। लगातार राम मंदिर को लेकर इनपुट्स आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर आतंकवादियों की ओर से हलचल हो सकती है। दरअसल पिछले दिनों कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों के बाद कुछ आतंकी संगठन उत्तर प्रदेश के इस पवित्र शहर में सक्रिय भी हो सकते हैं। हालांकि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच एक ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अयोध्या में ये ऑडियो काफ़ी ज़्यादा हलचल को तेज कर दी है। वायरल ऑडियो में अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर नवनिर्मित मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। इस वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। वहीं राम मंदिर अयोध्या को लेकर आतंकी हमले जैसे वायरल ऑडियो के बाद प्रभु श्री राम की नगरी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अयोध्या एसएसपी राजकरण नायर ने आतंकी हमले जैसी किसी इंटेलिजेंस या इनपुट से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर पहले ही व्यापक सुरक्षा घेरे में है। रेड जोन में प्रवेश पर संघन चेक इन हमारे सुरक्षा कर्मियों की रूटीन का हिस्सा है। हालांकि वायरल ऑडियो की जांच शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि अयोध्या में एनएसजी का हब बनने की खबर सामने आई थी। अब वायरल ऑडियो ने हलचल तेज कर दी है। अयोध्या में एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद शुक्रवार की सुबह से ही हलचल काफ़ी ज़्यादा और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। वायरल ऑडियो के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी आमिर का ऑडियो है। 13 सेकंड के इस ऑडियो में एक शख्स धमकी देने के अंदाज में ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बनाया गया है वहाँ हमारे 3 साथी शहीद हुए थे। इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो के वायरल होते ही अयोध्या में सतर्कता बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के रेड जोन एरिया में सुरक्षा कर्मियों को खास तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। राम मंदिर में प्रवेश के एक दर्जन से अधिक बैरियर पर कड़ा तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सुबह से ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है। टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, रामकोट, उन्नवल, अशरफी भवन, तोंतांद्री मंदिर समेत एक दर्जन बैरियर पर वाहनों की संघन चेकिंग की गई है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब आपको हम जैसे मोहम्मद के बारे में बता देते हैं कि ये क्या है। दरअसल जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन है। इसकी स्थापना पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी मसूद अजहर ने मार्च 2000 में की थी। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जैश का बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान से इसके आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसे मिलते रहते हैं। भारत को अस्थिर करने की साजिश भी इस संगठन की ओर से लगातार होती रहती है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का भी आरोप जैश ए मोहम्मद पर लगा है। अब इससे जुड़े आतंकी के राम मंदिर पर ऑडियो धमकी का मामला गहराता हुआ जा रहा है। इस पूरे मामले पर
आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में राम मंदिर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, क्या यह सच में साबित होगा, या फिर हिंदुस्तान की जो सरकार है इसको झूठ भी साबित कर सकती है और जिस तरीके से कड़े इंतजाम जो सुरक्षा के किए हैं वो कामयाब भी होगी? जो भी प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TV24।